हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की स्टडी और इन्फॉर्मेशन वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्लासेज आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और ऑफलाइन आपको पेड करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये बीएचयू से 1.5 किलोमीटर दूर सुंदरपुर पड़ता है, वहां पर इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये तो रहा मेरी कोचिंग की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद मैं लगभग कुछ दिनों से 10-15 दिनों से अनाउंसमेंट कर रखा है कि बीएचयू की पूरी कोर्सेज की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स और क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो उस पे मैं काम भी कर रहा हूँ बहुत दिनों से। इवन मैं और मेरे साथ कई सारे मेरे मित्र हैं, और मीन्स बोल सकते हैं कि बीएचयू की टीम है, बीएचयू पाठशाला की, जो इसमें कंटिन्यू काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम 15 तारीख आज है, और आज से हम पूरे कोर्स को एक साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इवन पर डे आपको लगभग एक कोर्स में 3 वीडियोस 2 वीडियोस मिलने के चांसेस है, जिसमें आपको सबसे पहले मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, फिर उसके बाद आपको आफ्टरनून में एक लेक्चर मिलेगा, और फिर आपको इवनिंग में उसके प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, ठीक है। मे बी प्रैक्टिस सेट लेक्चर के एक दिन या 24 घंटे का गैप लिया जाए कि सभी लोग लेक्चर देख लें, जिससे कि वो प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व करें, लेक्चर देख के सॉल्व करें, और उन्हें इजी वे में सॉल्व हो जाए, समझ में आए टॉपिक्स, ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले बीएचयू बीएस एंड सोशल साइंस का जो कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर इन द सेंस कि फॉर्म के पे पैसे अलग होंगे, लेकिन जो पेपर होगा वो एक ही होगा, मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, ठीक है। तो मैं जो बीएचयू बीए एंड सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 60 क्वेश्चन इस बार जीके जीएस का वेटेज बढ़ गया है, 60 क्वेश्चन आएगा, मीन्स 60 3K हो जाएगा 180, मतलब 180 मार्क्स का वेटेज आपका जीके जीएस का पोर्शन है। तो हम इस पे भी मेहनत करना शुरू कर रहे हैं। मेरा ऑलरेडी लैंग्वेज के क्वेश्चंस जा चुके हैं, क्लासेस जा रही हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बाय द वे, जो लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा सर कैसे करें क्या करें, सर प्लीज मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए, उनको कुछ नहीं करना है, अपना नाम और अपना कोर्स डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वहां से उनको पर्सनली गाइडलाइन दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो है बीए सोशल एंड आर्ट्स के लिए, इनके लिए जो जीएस का पोर्शन है उसमें हिस्ट्री भी आएगा। तो हिस्ट्री में, अब हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशियंट, ठीक है। तो मॉडर्न एंड मिडिवल को अभी मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूं, मैं एंशियंट उठाता हूं। जनरली जब कोई पढ़ाता है तो उन लोग मॉडर्न से पढ़ाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट है, मॉडर्न जो होता है उनसे रिलेटेड है, अभी 70 साल पीछे की स्टोरी आपको पढ़नी होती है। लेकिन एंशियंट जो होता है थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अब मुझे प्लान वे में चलना है और आपको पढ़ना तो है ही कैसे भी करके, तो चलो बोरिंग ही सही, लेकिन मैं आज एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया हूँ, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपको एक बार फिर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि बीएचयू में जो हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा बीए में, उसके लिए मैं लेक्चर डाल रखा हूँ, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, प्लीज उस वीडियो को जाकर आप देख के तब इस लेक्चर को देखें, जिससे आपको टॉपिक दिमाग में बैठ जाए। देखिए, ये जरूरी है कि एटलीस्ट आपके दिमाग में जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। लेकिन अब फिर मैं बार आपसे रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, जो सबसे पहला टॉपिक है स्टोन एज, दूसरा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका है वैदिक पीरियड, फिर आपका जैनिज्म, बौद्धिस्ट, फिर मौर्य काल, गुप्ता काल, ऐसे कुछ आपके, ठीक है, आने वाले हैं, मतलब ये एक सीरीज रहेगी। मैं सेकंड सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए उठाया हूँ क्योंकि स्टोन एज की प्रिपरेशन अभी चल रही है, लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा तो हम उसको डाल देंगे, थोड़ी सी ज्यादा डेटा और फैक्ट्स और बोरिंग है, इसीलिए हम पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ले आए हैं, उसके बाद वो बोरिंग टॉपिक स्टोन एज मीन्स पाषाण काल लेकर आएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन पेपर्स रेडी है, उम्मीद करता हूं कि आज आप पूरे दिन लगभग शाम तक इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। ऐसे 11 बजे वीडियो जाने वाली है, सभी लोग इस वीडियो को 11 बजे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, मीन्स सभ्यता, सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इस नाम को अगर मैं डिफाइन करूं तो सिंधु घाटी की सभ्यता मतलब सिंधु और सिंधु नदी है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है, ठीक है। अब इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ये जो सिविलाइजेशन वर्ड है, ये जो सभ्यता शब्द है, इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। सभ्यता मतलब सभ्य मतलब सिविलाइजेशन, इसको डिफाइन करने के लिए एक दो वर्ड आप दिमाग में रखिए, यहां से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे किसी स्टेट या प्रांत या फिर
यूनियन टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम, किसी प्रदेश को डिफाइन करने के लिए कुछ फार्मूला बनाए गए हैं, कुछ कंसेप्ट रखे गए हैं कि उसमें लोग होने चाहिए, वहां पे लॉ होना चाहिए, रूल होना चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो सॉवरिन होना चाहिए, मस्ट बी सॉवरिन मींस क्या होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, ऐसे को स्टेट बोला गया। वैसे ही सभ्य होने के लिए भी कुछ डिफिनेशन रखे गए कि क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, सिलाई होने के लिए क्या होना चाहिए, स्क्रिप्ट होना चाहिए, मस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, ठीक है, लिपि होना चाहिए। और दूसरा अर्बन लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है, अर्बन लाइफस्टाइल होना चाहिए मींस उनकी एक लिपि होना चाहिए। और लिपि किसका होता है, एक भाषा का होता है, और भाषा जनरली कहां यूज होता है, शहरी जीवन में यूज होता है, शहरी लाइफस्टाइल में होता है। गांव में तो क्या यूज करते हैं लोग, बोली यूज करते हैं, और बोली की कोई लिपि नहीं होती है, जैसे भोजपुरी क्या है, बोली है उसकी, कोई लिपि नहीं है, लेकिन खड़ी हिंदी बोली क्या है, एक क्या है, देवनागरी की लिपि है। तो कहने का मतलब यह है कि एक लिपि होना चाहिए सभ्यता का, और अर्बन लाइफस्टाइल होना चाहिए, नगरी लाइफस्टाइल होना चाहिए। और यहां से आपका एक क्वेश्चन एक बन गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो एक शहरी एक नगरी सभ्यता थी, और उसकी एक लिपि भी थी। आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, मैं लिपि के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब सभ्यताओं का विकास हो रहा था, मींस जब पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि जीवन की जो शुरुआत हुई है एक ग्लोब में ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की शुरुआत बस सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ या बाकी और जगहों से, ठीक है, पृथ्वी पे लोगों की शुरुआत या फिर जो उनका विकास था वो हर जगह हो रहा था, लेकिन बेसिकली इस ग्लोब पे पांच जगहों के बारे में ज्यादा पढ़ना होता है, क्योंकि इन पांच सभ्यताओं या पांच प्लेसेस जो थे वो काफी विकसित हुए और सबसे पहले विकसित हुए। वो कौन कौन से पांच प्लेसेस हैं तो मैं मैप के थ्रू, वर्ल्ड मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये बस तीन कॉन्टिनेंट में घूम फिर के है, एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एक यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट मीन्स मतलब होता है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। अब देखिए, ये है आपका अफ्रीका का मैप, ठीक है, ये है आपका अफ्रीका का मैप, देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, और फिर यहां पे आपका आएगा, ठीक है, इंडिया। देखिए, और ये वाला एरिया जो होता है वो क्या है, एशिया, ठीक है, यहां पे कुछ आपका आएगा यूरोप, और ये आपका हो गया अफ्रीका। देखिए, मैं इसके पहले भी लेक्चर बता चुका हूं कि आप एक मैप के थ्रू अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं पांच सिविलाइजेशन का नाम लिखने जा रहा हूं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, जो भी चीजें आज मैं बोलूंगा वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके बस बीएचयू एंट्रेंस के लिए नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक प्लेस आता है, इसका नाम है इजिप्ट, मिस मिस्र, तो एक यहां पर सभ्यता हो जाएगी मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की अगर बात करें तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, देखिए जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी भी किसी नदी के किनारे है। मिस्र पिरामिड के लिए अपने जाना जाता है, आपको पता है पिरामिड बहुत ज्यादा यहां पाए जाते हैं। मिस्र की सभ्यता जो है वो पाई गई नील नदी के किनारे, मीन्स नील नदी के किनारे विकसित फली बड़ी। देखिए, सभ्यता के विकास के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, इवन आज ही देख लीजिए इंडिया में जितने भी महत्वपूर्ण शहर है वो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, ठीक है। इवन मेरा जो गांव है वो भी एक नदी के किनारे ही है, बनारस जो है नदी के किनारे है, इलाहाबाद नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, मीन्स हर एक महत्वपूर्ण जो सिटी है किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो सभ्यताओं का विकास के लिए पानी का बहुत होना जरूरी है, और इसलिए किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। मैं जितनी प्लेसेस बताऊंगा उन सभी को नदी से रिलेटेड करके बताऊंगा। आज का वीडियो जरूर थोड़ा लेक्चर वाला होगा, लेकिन फैक्ट्स बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फैक्ट्स बताऊंगा, बहुत सा फैक्ट्स बताऊंगा, और इस लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता की कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें आपको बता दूं, ठीक है। तो यहां पे है मिस्र की सभ्यता, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक सभ्यता दिमाग में बैठाइए कि मिस्र की सभ्यता और किस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, ठीक है। यहां पे पड़ता है आपका एक यूनान प्लेस जिसको ग्रीस बोलते हैं, ठीक है, यूनान या ग्रीस, मैं यहां पर नोट कर दूंगा इसको, यूनान की सभ्यता, ठीक है, यूनान की सभ्यता या ग्रीस की सभ्यता, ठीक है, ग्रीस सिविलाइजेशन। फिर उसके बाद में बात करूंगा, यहां पे एक प्लेस पड़ता है वर्तमान में इराक, वर्तमान में कौन सा प्लेस है, इराक।
और इस इराक के पास भी एक सभ्यता है, इराक में भी एक सभ्यता हुआ करती थी, कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मैं इसलिए अच्छे से लिख रहा हूं आज, कोशिश यही कर रहा हूं कि अच्छे से क्योंकि आप नोट बना सके। तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। नोट कीजिए, दजला फरात, दजला फरात नदी के किनारे, ठीक है, दजला फरात। मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका मतलब होता है मेसो प्लस पोटामिया, मेसो मतलब होता है इन बिटवीन, मतलब मध्य में बसा हुआ। दजला फरात नदियों के बीच में, दो किनारों के बीच में बसा हुआ, विकसित हुआ ये सभ्यता जो था मेसोपोटामिया कहलाया, क्योंकि मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है दो नदियों के किनारे बसा हुआ सभ्यता, ठीक है। तो दजला फरात उस नदी का नाम है, नोट कर लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुआ, ठीक है। यहां पर मैं डार्क सर्कल करता हूं या स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लिया, और यहां पे मैं ऐसे लिख लिया। आपको पता है कि यहां पे इंडिया है, तो ये प्लेस किसका होगा? चाइना का। तो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे? तो वांगहो नदी, हॉ व वांगहो, ठीक है। कहीं पे इसको वांगहो बोला जाता है, वांगहा बोला जाता है, वांगही बोला जाता है, और इसका एक नाम पीली नदी भी है, इसको और नोट कर लीजिए, पीली नदी, ठीक है, पीली नदी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक दो तीन चार, मैं चार समय से बारे में बता दिया कि चीन की सभ्यता वांगहो नदी, पीली नदी के किनारे मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, नील नदी के किनारे, ठीक है। इस तरीके से ये चार हो गई। अब हमारा प्यारा देश भारत में एक सभ्यता विकसित हुआ, उसके खोल जाने से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ बोला जाता था। पृथ्वी की सबसे पुरानी सभ्यता इसको मानी जाती थी, चाइना को मानी जाती थी, मिस्र को मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन यूनान की सभ्यता जो है वो मात्र 1400 बीसी ही पुराना है, 1400 बीसी ही पुराना है। मतलब आप बोल सकते हैं यूनान की सभ्यता बाकी तीन सभ्यताओं और सिंडस सिविलाइजेशन सभ्यताओं को छोड़कर वो अभी लेटेस्ट है और थोड़ा सा भी मॉडर्न है। लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पहली बार खोज हुआ तो पता चला लोगों को कि सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पुराना है और सबसे अपने टाइम की विकसित सभ्यता है। उसका जो लोकेशन है वो ये है, ये प्यारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में एग्जिस्ट करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, और इसका नाम ही है सिंधु घाटी की सभ्यता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किस नदी के किनारे फली बड़ी विकसित हुई, ठीक है। इस तरीके से मैंने मैप के थ्रू आपको बता दिया कि फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन जाने के, इस टॉपिक पे जाने से पहले कौन सी सिविलाइजेशन कहां पे विकसित हुई, कौन से कॉन्टिनेंट में है और किस नदी के किनारे विकसित हुआ, आप इसको भलीभांति समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअल प्लेस क्या है और किस नदी के किनारे एग्जिस्ट किया और इसके ढेर सारे नाम कौन से हैं, कौन कौन से प्लेसेज हैं और कौन से प्लेस से कौन से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इंडिया के मैप से बनाऊंगा, ठीक है, इंडिया का मैप बना लेता हूं मैं जल्दी से। हाँ, तो आप लोग कुछ चाहे तो पूछते रहिए तब से कमेंट बॉक्स में। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, नो डाउट की बोरिंग होगा थोड़ा सा आपके लिए, लेकिन इसको आप लोग चाहे तो थोड़ा सा फैक्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि चीजों को समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो इंडिया के मैप में, अब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि यहां पे मैं बताया एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एक एक्चुअल कहां पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोकेशन है वो लगभग ये वाला एरिया है, मीन्स उत्तर और पूर्व, सॉरी पश्चिम, उत्तर और पश्चिम भाग में सिंधु घाटी सभ्यता फली बड़ी। यहां पे बहती थी एक सिंधु नदी, कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है और कराची से होते हुए और यहां पे वो क्या कर जाती है? गिर जाती है, फॉल हो जाती है, ठीक है। ये है सिंधु घाटी, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इससे पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के चार, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, जो
सीमाएं हैं उसको बता देता हूं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी छोर था वो है मांडा, ठीक है। मांडा कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये सबसे उत्तरी छोड़ा जब किसका? इंडस सिविलाइजेशन का। उत्तर तो दक्षिण, दक्षिण में कौन सा प्लेस है तो मैं यहां बता देता हूं, दैमाबाद या दामाबाद, दामाबाद, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी का। और इसके सबसे पूर्वी भाग का नाम मैं लिखूं तो यहां पे पड़ेगा एक उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में दिल्ली से पहले पड़ता है मेरठ, और मेरठ में प्लेस है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। कहां पे? मेरठ में, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे पश्चिमी भाग का नाम लिखूं तो यहां पे पड़ेगा आपका कहीं पे, सपोज यहां पे पड़ेगा सुदगा डोर, क्या नाम है? सुदगा डोर। कहां पे? पाकिस्तान, ए पी ओ, क्या पाक आपको वाई प्लेस में समझिएगा, पाक मतलब पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इस क्षेत्र को मिलाऊं ऐसे ऐसे मिला दूं तो ये जो जो क्षेत्र निकल के आएगा इसका जो डिजाइन है वो कुछ ट्रायंगुलर आकार का है। यहां से क्वेश्चन आपका बन गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, तो ट्रायंगुलर है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, एक क्वेश्चन यहां से बना। और अगर मैं इस क्षेत्र की पूरी क्षेत्र की बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है वो 12 लाख, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं 12,99,600, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, क्योंकि 12,99,000 है तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, मीन से जो पूरा एरिया है 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। अब मैं सिंधु की कुछ सहायक नदियों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से कुछ है, झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर एक ब्यास है जो कि सतलज की सहायक नदी है, और इस तरीके से सभी आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्लेस है जिसको आप समझ लीजिए। तो देखिए एक आपका रावी के तट पे, यहां पे रावी है, ये रावी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं रावी नदी, ठीक है। ये है आपका झेलम, सबसे ऊपर है झेलम, ठीक है। फिर उसके बाद है चिनाब, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, फिर है आपका है ब्यास, और ब्यास किसमें मिलती है? सतलज में, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेसेस हो गए। अब देखिए रावी नदी के तट पे यहां पे पड़ता है आपका क्या? हड़प्पा, ठीक है। अब देखिए कहानी यहां से कुछ आपको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। हड़प्पा क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा प्लेस जो है वो कहां है? तो रावी नदी के किनारे, और पड़ता कहां है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कई सारा नाम है, ठीक है। तो उस नाम पे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्लेस आपको बता देता हूं, फिर इसको इरेज कर दूंगा, फिर मैं नाम पे डिस्कस करूंगा। देखिए फिर आपका एक प्लेस पड़ता है गुजरात में धौलावीरा, जिसके बारे में मैं पढ़ूंगा उसका मैं लोकेशन बता रहा हूं, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। फिर एक आपका राजस्थान में है कालीबंगा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्लेस है जिसके बारे में मैं पढ़ूंगा। फिर यहां पाकिस्तान में पड़ेगा एक चौंदड़ो, ठीक है, चौंदड़ो, और इसी के जस्ट ऊपर यहां सिंधु नदी, ये सिंधु नदी आ रही है वाली, यहां किनारे आपको पड़ेगा एक क्या? मोहनजोदाड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मौंडा डेथ मृत का टीला, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 10 महत्वपूर्ण स्थान और वहां से प्राप्त साक्ष, उसकी खोज कौन किया, कब किया, इन सब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, फिर मैं बताता हूं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के एक और नाम है, क्या है? हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है। एक दूसरा नाम है इसका कांस्ययुगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता, नोट करते रहिए मेरे साथ, वाइट जाइएगा।
फिर उसके बाद इसका एक नाम है सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ठीक है। फिर इसके बाद एक नाम है, इसका नाम है मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता, ठीक है। फिर चौथा नंबर, इसका एक और नाम है, वो है ब्रॉन्ज, हड़प्पा, सरस्वती, मेलुहा और सिंधु घाटी के खोई गया, ऐसे अगर मैं देख लूं, ठीक है, एक मुझे याद आता है मैं बता देता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुल तीन नाम और हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ठीक है। तो इसका नाम हड़प्पा क्यों रखा गया? हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि हड़प्पा जो था वो पहला प्लेस था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का, पहला प्लेस होने की वजह से, पहला प्लेस होने की वजह से पहला स्थान जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम एक हड़प्पा सिविलाइजेशन भी हो गया। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया, ब्रॉन्ज क्या है? एक प्रकार का अलॉय है, किसका है? कॉपर और टीन का। देखिए क्वेश्चन और बन गया, ब्रॉन्ज अलॉय है, अलॉय मतलब होता है मिश्रण, किसका है? टीन और कॉपर का, ठीक है, टीन और कॉपर का क्या है? अलॉय है। तो इन्होंने टीन और कॉपर को मिला के एक ऐसा अलॉय बनाया जो कि इनके समय में सबसे ज्यादा यूज हुआ। तो ब्रॉन्ज से बने हुए ढेर सारे सामान मिलने की वजह से यूज ऑफ ब्रॉन्ज इन दिस सिविलाइजेशन और अनदर नेम कांस्ययुगीन सभ्यता, इसकी वजह से इसका एक और नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। अब यहां पे आता है सरस्वती सभ्यता। देखिए इंडिया का मैप तो मिट गया लेकिन मैं समझाता हूं आपको, सरस्वती नदी एक हुआ करती थी भारत में जो कि एक गुजरात राजस्थान ऐसे होते हुए फिर क्या होती थी बहा करती थी, ठीक है। तो सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त होने का रीजन भी है राजस्थान जानती है कैसा है, वहां का रेतीली भूमि होते होते वो सरस्वती नदी वहां पे खत्म हो गई। एक पौराणिक कहानी भी है कि जब महाभारत कौन लिखा है, तो महाभारत को ऐसे पुराणों में बताया जाता है गणेश जी लिख रहे थे, तो गणेश जब लिख रहे थे तो इनके कान में सरस्वती नदी की आवाज जा रही थी, बगल में सरस्वती नदी बह रही थी, बहुत शोर कर रही थी। तो गणेश जी बोलते हैं कि तुम्हें बहुत गर्व है, तुम्हें बहुत गुमान है, तुम इतना शोर कर रही हो, मैं लिख रहा हूँ तुम्हें शोर कर रही हो, जाओ तुम्हारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से कहानी बताई जाती है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है, लेकिन आज भी यमुना गंगा सरस्वती का संगम स्थल जो है वो इलाहाबाद में है। अगर आप सबसे नीचे से पानी लेके निकलते हैं गंगा नदी के, तो बताया जाता है कि मे भी वो सरस्वती नदी का पानी हो, कुछ ऐसी कहानी है। तो जब देखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई होने लगी तो मैक्सिमम जो एविडेंस थे वो सरस्वती नदी के आसपास से मिलने लगे, तो उनको लगा कि सिंधु घाटी सभ्यता ना होके लग रहा है कि ये सरस्वती सभ्यता भी इसका एक नाम होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी मैक्सिमम क्या मिले, मैक्सिमम साक्ष्य मिले, मैक्स साक्ष्य मिले यहां से इस एरिया से, ठीक है। फिर इसका एक नाम है मेलुहा की सभ्यता। देखिए मेलुहा की सभ्यता इसलिए नाम इसका रखा गया, इसका जिक्र मिलता है नोट कर लीजिए सुमेरियन, सुमेरियन लेख में, सुमेरियन लेख में जिक्र मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी नो डाउट की बहुत एक सिविलाइज सभ्यता थी, इन लोग क्या करते थे वस्तु विनिमय पद्धति से क्या करते थे ट्रेड करते थे। इन लोग का कोई सिक्का नहीं हुआ करता था, कोई क्वाइन कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, इन लोग कैसे ट्रेड करते थे वस्तु विनिमय से, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कुछ ऐसा ऐसा नहीं था। मतलब इनका कहने का मतलब है कि तुम मुझे कपड़े दो मैं तुम्हें कोई खाने की चीज दूंगा, या फिर तुम मुझे कोई खाने की चीज दो मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, वस्तु विनिमय पद्धति जो पहले हुआ करता था। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया से इंडस लेसन के लोग क्या क्या करते थे ट्रेड किया करते थे, ठीक है। तो ट्रेड में जो लेख कुछ का जिक्र मिलता है इसमें सुमेरियन लेख है जिसमें उन लोगों ने इसका नाम मेलुहा लिखा है, कि कुछ ऐसा सिविलाइजेशन जो भारत के इस क्षेत्र में है, ठीक है, उस क्षेत्र से ट्रेड होता है और उसका जो जिक्र किया है उन्होंने मेलुहा नाम से किया है। तो लोगों का कहना है, इतिहासकारों का मानना है कि मेलुहा की सभ्यता भी इंडस्ट्री सिविलाइजेशन का ही एक नाम है, ठीक है। इस तरीके से एक दो तीन चार ये हो गए, एक और था मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, मैं उसको व्हाट्सएप स्टेटस लगा दूंगा आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो कुछ सन नोट कीजिए आप। ठीक है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि चीजें आपको समझा सकूं, ठीक है। सबसे पहला नोट कीजिए डेटा 1826, ठीक है, 56 भी आएगा लेकिन 26 उससे पहले, चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स
मैसन। देखिए चार्ल्स मैसन जो थे इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले पता लगाया। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। इन्होंने 1842 में अपनी एक बुक पब्लिश किया और उस बुक में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया कि भारत के इस भूभाग में कोई एक सभ्यता भी है। ठीक है, देखिए आज ये पहली क्लास है, मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा डेटा आपको नहीं मिल रही होगा। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें आपको मैक्सिमम डेटा की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी आज इसको एक स्टोरी की तरह कंसेप्ट में बैठाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति और डिक्लाइन और ये कहां पे एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन से हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया अपने 1842 में एक बुक आई जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस क्षेत्र में एग्जिस्ट करती है ऐसा कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद एक डेट नोट कीजिए 1853 डेट इसलिए फेमस है क्योंकि 1853 में भारत में पहली बार मुंबई टू ठाणे क्या चला, ट्रेन चली, बताइए आपको ट्रेन चली, और वो ट्रेन कितने किलोमीटर चली, तो 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर की 1853 में सबसे पहली बार मुंबई टू ठाणे क्या चली, ट्रेन चली। और ये जब ट्रेन चली तो उसके लिए क्या बिछाई गई होंगी, पटरियां बिछाई होंगी, और ये विकास दर बढ़ते बढ़ते आ गया 1856 में ये जो रेल की पटरी थी वो बिछाई जानी थी लाहौर साइड। ठीक है, लाहौर आपको पता ही है कहां पड़ता है, अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय शायद वो इंडिया का पार्ट हुआ करेगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं बना था। तो लाहौर साइड जब पहुंचे तो वहां पे ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते थे, और ऊंचे ऊंचे टीलों मींस भारत का अगर मैप अगर यूं बना है यहाँ पे कुछ ऐसे से बना है, तो ये जो एरिया है लाहौर का उस क्षेत्र में जब रेल पटरी पर पहुंची, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इसी टाइम पे PWD का निर्माण हुआ था, मतलब PWD विभाग का डलहौजी ने स्टेबलाइज किया था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो विभाग है उसको किसकी देन है, तो डलहौजी की देन है, तो यहां से क्वेश्चन आपका और बन गया। इसी PWD के अंतर्गत ये रेलवे लाइन सड़क वड़क ये सब भारत में बन रही थी। ठीक है, ये बनते बनते जब लाहौर पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं ऊंचे ऊंचे टीले थे, और उसकी खुदाई करके उसमें जो भी एविडेंस, उसमें एविडेंस नहीं बोलेंगे, उसमें एक नॉर्मल मिट्टी या पत्थर हुआ करता था और उसको उन्होंने पटरी में बिछा दिया। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को पता चले कि उनकी भी एक सभ्यता थी और वो इतनी पुरानी थी और सबसे विकसित अपने समय में हुआ करती थी, लेकिन कोई चीज छुपते छुपाई छुपती नहीं है, कभी ना कभी तो उसे एक्सपोज होना ही था। 1856 के बाद कई सारे लोग इस पे काम करते हैं। फिर चौथा डेट, मतलब ये तो मैं बता दिया, इतना दिमाग में बैठाइए, फिर उसके बाद अब डेट नोट कीजिए। ठीक है, मैं लगभग इस चैप्टर का एक थर्ड पॉइंट इंट्रो तक खत्म कर दूंगा, फिर सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। ठीक, देखिए अब फिर नोट कीजिए 1931। ठीक है, अब आता है 1931। देखिए 1931 में ऐसा क्या होता है, एक मिनट देखिए। ठीक है, अब देखिए 1931 साल आप नोट कीजिए, और इसमें नोट कीजिए कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता प्लेस, मतलब हड़प्पा प्लेस का खुदाई किया गया सबसे पहले। ठीक है, हड़प्पा जो स्थान था जो पाकिस्तान में पड़ता है उसकी खुदाई की गई, और सबसे पहले खुदाई की गई, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा भी नाम है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे जॉन मार्शल के अंडर में काम करने वाले एक पूरा तत्वविद, उनका नाम है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1931 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई कराई गई। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है, हद कर दी आपने, ख से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, हद कर दी आपने 1931। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1931 में दयाराम साहनी ने किया। फिर दूसरा डेट नोट कीजिए 1922। ठीक है, उसी के जस्ट एक साल बाद दूसरा डेट आता है मोहन जोदाड़ो। देखिए ये प्लेस भी कहां पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, और कहां पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी मैं प्लेसेस लिखवाऊंगा और उसके साथ लिखवाऊंगा कौन खोजा है, किस सन में खोजा है, वर्तमान में प्लेस कहां है, सब बताऊंगा। ठीक है, तो मोहन जोदाड़ो इसकी खोज कौन किया, उन्हीं जॉन मार्शल के ही अंडर में काम करने वाले पुरातत्वविद, उनका नाम है राखलदास बनर्जी।
ठीक है, राखलदास बनर्जी। इस तरीके से राखलदास बनर्जी ने मोहनदारो नाम का प्लेस का खोज किया और वहां पे खुदाई करा के जितने भी साक्ष्य मिले उसको इकट्ठा किया। उसन था 1922। ठीक है, इस तरीके से इस लेक्चर में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि अब आपको डेटा की जरूरत है। हाँ, इस सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। जो हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो है आपका 2350 से 1700, ठीक है, बीसी। एक दिन मैं आपको बीसी और एडी भी समझाऊंगा फाइनली कि ये बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। अगर अभी सच में नहीं समझ में आया बीसी और एडी तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बीसी और एडी का कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे कुछ चीजें और मैं डिस्कस कर लूँ, फिर इस लेक्चर को मैं ऑफ करूंगा, यहाँ पे बंद करूंगा। मैंने आपको शुरुआत में 5 शिलाएं के बारे में बताया, यूनान की सभ्यता इसको अलग रखिए, अब 4 सभ्यताओं का नाम गिना रहा हूं उसको ध्यान रखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये जो 4 सभ्यताएं हैं, चीन, मेसोपोटामिया, यूनान सॉरी मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता, ये चारों सभ्यताएं अपने एक साथ क्या थी, विकसित हो रही थी। लगभग इन्होंने अपनी एक मतलब कंटेम्पोररी थे, साइमल्टेनियसली थे, समकालीन थे, लेकिन जो यूनान की सभ्यता है वो अलग थी, वो थोड़ी सी इन लोग के बाद की सभ्यता है। क्वेश्चन